नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने रोचक एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की सुंडी के बारे में और गन्ने के अनेक प्रकार के इंसेक्ट के बारे में, यानी कि गन्ने में जो भी कीट लगते हैं उसका निवारण सिर्फ हम एक ही दवा से कर सकते हैं, यानी कि एक ही इंसेक्टीसाइड से कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इस समय हमारा गन्ना 6 से 7 फीट, 8 से 9 फीट, 10 से 11 फीट, किसी किसी का इससे भी लंबा हो चुका है। तो इस अवस्था में हम इंसेक्टीसाइड का स्प्रे नहीं कर पाते, तो इस अवस्था में हमें किसी भी इंसेक्टीसाइड पाउडर का प्रयोग करके उससे हम नियंत्रण पाते। जैसा कि हमको भी पता है और आप किसान भाइयों को भी पता है कि स्प्रे करना बेहद ही कठिन हो जाता है इस अवस्था में, उसमें चलना तो नामुमकिन हो जाता है। तो इस अवस्था में हम इंसेक्टीसाइड पाउडर का प्रयोग करते हैं। जिस पाउडर का प्रयोग हम या फिर किसी में मिला के करते हैं या फिर उसका पानी के साथ उसका बहाव कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको विधिवत आपको बताएंगे किस इंसेक्टीसाइड का आपका प्रयोग करना है, जिससे आप लोग गन्ने में लगी सूढ़ी का प्रकोप खत्म कर सके। इंसेक्टीसाइड फ्यूराडान कार्बोफ्लोरान 3% दानेदार, जो कि बहुत ही हानिकारक कीटनाशक होता है, जो पत्तेदार कीटों को नष्ट करता है, मिट्टी में दबे हुए कीटों को नष्ट करता है, जो कि अधिक समय तक हमारे खेत में अपना हाथ जमाए रखता है, जिससे हमें खेत में कीटों को नष्ट करते चलता रहता है और हमारी फसल को सुरक्षित रखता है। इस कीटनाशक का प्रयोग करते समय हमें अनेक प्रकार की सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि हम लोगों को कुछ खाना पीना नहीं है, अपने आसपास के चीज़ों को छूना नहीं है, और हमको मास्क लगा के, हेलमेट लगा के और हाथों पर ग्लव्स पहन के इसका प्रयोग करना है, जिससे कि इसका संपर्क और हमारे शरीर से ना हो पाए। अगर इसका संपर्क हमारे शरीर से होता है तो ये बहुत हानिकारक इंसेक्टीसाइड होता है, तो आपको भी असर पड़ता है, इसमें कहीं कहीं किसानों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हम लोगों को सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना। तो अब हम बात करते हैं कार्बोफ्लोरान 3% दानेदार का प्रयोग हम किस प्रकार से अपने खेत पर करते हैं। इसका पैक 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो तक आता है, तो आपको 1 हेक्टेयर के लिए 5 किलो का प्रयोग करना। अगर आपके खेत में अधिक सुंडियों का प्रकोप है तो आप लोग 7 से 8 किलो तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग हमें यूरिया में नहीं करना है, क्योंकि अगर इसका ये बहुत जल्दी गलती है, यूरिया के साथ गल जाएगी तो ये इसकी जो रासायनिक तत्व होते हैं वो कम पड़ने लगते हैं, जिससे आप प्रयोग करने के बाद इसका असर हमें नहीं दिखाई पड़ता। इसका प्रयोग हम रेत के साथ कर सकते हैं, राख के साथ कर सकते हैं और DAP के साथ कर सकते हैं, यानी कि जो उर्वरक जो चीज घुले ना उसके साथ इसका प्रयोग हमें करना है। फ्यूराडान कार्बोफ्लोरान 3% हर जगह लाइसेंस थाई दुकान के पास आप लोगों को मिल जाएगा। इसकी कीमत कहीं कहीं कम होती है, कहीं कहीं ज्यादा होती है, आखिरकार आपको कहीं भी इसकी रेट प्रिंट रेट से ऊपर नहीं मिलेगी, उससे कम ही मिलेगी। इसका प्रयोग हम सुंडियों के लिए, ट्रॉप बोरर के लिए और तना छेदक के लिए और पत्ती वाले कीटों के लिए और मिट्टी में रहने वाले कीटों में, हर कीटों में इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और इसका प्रयोग हम धान, गेहूं, गन्ना आदि प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह कीटनाशक अनेक प्रकार के कीटों को नष्ट करता है। यह कीटनाशक 300 से ज़्यादा प्रजातियों वाले कीटनाशकों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने आसपास के किसान भाइयों को शेयर करिए, जिससे ये जानकारी उन लोगों को भी मिल सके और अपने खेत में लगे सुंडियों से नियंत्रण पा सके। धन्यवाद।